का ड्रीम यूपी के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मिले पहचान, सीएम के सपने पर अधिकारी फेर रहे पानी, अव्यवस्था की भेंट चढ़ा राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता, 18 मंडल की 72 टीमों के जुटे हैं खिलाड़ी, सर्दी में फर्श पर एक चादर के सहारे रात बिताने को मजबूर, खिलाड़ियों के रहने सोने खाने तक नहीं है बेहतर इंतजाम, खिलाड़ी यहां से जाकर बस्ती की प्रदेश में क्या बनाएंगे इमेज। DIOS ने कहा कि कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट कर रहे शिकायत, आप धन्य मनाइए कि सारी व्यवस्था कर ऐसी जगह कराया जा रही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, बस्ती जिले के कप्तानगंज में चल रही 4 दिवसीय खो खो प्रतियोगिता। आपको क्या दिक्कत आ रही, कहाँ से आए हैं? सर हम लोग प्रयागराज मंडल से आए हैं, यहाँ पे हम लोग स्कूली गेम खेलने आए हैं, स्टेट लेवल का है सर ये, और सर हमको यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, गद्दा नहीं है सर ओढ़ने के लिए, और सर शौचालय नहीं है, हमको खेत पे जाना पड़ता है, और ये सर जंगल है यहाँ पे सर, वहाँ से 2 किलोमीटर हम लोग पैदल आते हैं, रात में हाईवे क्रॉस करके आते हैं सर, हमको बहुत दिक्कत है यहाँ पे पानी वानी के लिए सर, नहीं कुछ यहाँ जंगल है सर। तो कैसे ये विद्यालय जहाँ पे है यहाँ पे कैसे आपको आप लोग आते हैं, किस रास्ते से? हम लोग जंगल हम लोग गन्ने के खेत से आते हैं, वहाँ पे सर बड़े बड़े गन्ने हमको लोग सर डर लगता है, वहाँ से अकेले आते हैं। आप ही लोग आते हैं कि आप लोग के साथ गर्ल्स भी आती हैं? हम लोग आते हैं, गर्ल्स लोग दूसरी जगह रहती हैं, और सर हम बहुत दूर से आते हैं, 2 किलोमीटर है सर यहाँ सर, बहुत जंगल। खाने पीने की व्यवस्था कैसी रहती है सर? खाना पैसे पे मिलता है, और सर भर पेट मतलब फुल पेट नहीं मिलता है। जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे क्या व्यवस्था है पानी पीने और शौचालय की? शौचालय वहाँ पे है ही नहीं, पानी के लिए वो टैंक खड़ा रहता है, उसमें टैंक खत्म हो जाता है। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम विकास मौर्य है। क्या हुई बेटा, क्या सॉल्व हो गई? आराम तक वहाँ का मतलब कुछ व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट करने की नहीं है, वोटिंग करने की नहीं है, गद्दे भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले, खिड़की खुल रही है, यहाँ पे अभी शौचालय नहीं है यहाँ पे, और हम बहुत दूर से 5 किलोमीटर से आते हैं यहाँ पे, कितना पैदल ही आते हैं? हाँ पैदल आते हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं? आगरा मंडल से आए, जहाँ आप लोग को रहने की व्यवस्था दी गई है, वहाँ व्यवस्था कैसी है? वहाँ व्यवस्था भी अच्छी नहीं है, कमरों में खिड़की नहीं है बिल्कुल भी, सोने के लिए कम्बल नहीं है, चादर नहीं है बिल्कुल भी, बाहर जा रहे हैं उसमें गेट नहीं है, गेट है तो खिड़की नहीं है। बाथरूम की व्यवस्था कैसे हुई? बाथरूम में लाइट नहीं है, वहाँ पे जाते हैं तो उसमें भी कुंडी नहीं है, उसमें गेट नहीं है। कोई यहाँ जो आयोजक है उनसे आप लोगों ने शिकायत नहीं करवाई? शिकायत हमने करी नहीं, की तो थी, पर यहाँ पे भी शौचालय नहीं है, यहाँ पे खाने पे भी बाहर जा रहे हैं दोनों बेटा। खाने की व्यवस्था क्या है, जैसे आप लोग को खाने पीने की व्यवस्था जो है? खाने पीने की व्यवस्था तो सही है, सर ने की है। अच्छा, आप लोग को सर ने की है, मतलब यहाँ से कुछ नहीं दिया गया? नहीं दिया, पानी पीने के लिए पानी खत्म हो जाता है, व्यवस्था की पानी खत्म हो जाता है, पानी भी नहीं है। सब आपको सम्मानित कर सर, यहाँ शौचालय की भी व्यवस्था नहीं थी जो बच्चे आए थे आपके सामने खड़ी है, देख लीजिए। नहीं, उनका आरोप था कि वहाँ जो जहाँ रुकाया गया था, नहीं नहीं आरोप जो लगाया था बच्चों ने, हम उस पर पूछ रहे हैं। और रात में सर गन्ने के खेत के किनारे होते हुए बच्चे अंधेरे में जा रहे थे, जहाँ पे रुकाया गया था वो वीडियो में भी दिख रहा है, बच्चों का खेल हुआ है और इतनी बस की व्यवस्था हम लोगों ने दिया है, इसके बाद अगर एकाएक 700-800 बच्चे आते, थोड़ी मोड़ी समस्या कहीं आ गई हो, लेकिन मैंने पूरी व्यवस्था की है और 8-8 बजे रात तक घूम घूम के एक जगह देखा है। ठीक है, अरे आप धन मनाइए कि ऐसी जगह पे प्रदेश का खेल कराया गया, कितनी व्यवस्था दे करके। ठीक सर, थैंक यू।